हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अक्षय नवमी या आंवला नवमी या अमरिया नवमी भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। भक्तों, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है आंवला नवमी, अक्षय नवमी। इसमें विशेष रूप से पूजा की जाती है, आंवला वृक्ष की पूजन किया जाता है भक्तों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें आंवला वृक्ष नहीं मिल पाता है, तो हम किस प्रकार से घर पर सरल विधि से आंवला नवमी का पूजन करें और किस प्रकार से करें ताकि आंवला नवमी का पूर्ण फल प्राप्त हो, तो आज की इस वीडियो में बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी आंवला नवमी का पूजन। तो भक्तों, ये पूजा आपको सुबह सवेरे स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके उसके बाद में आपको एक चौकी लगानी होती है। तो चलिए, देरी ना करते हुए मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ किस प्रकार से करना है। आप अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी, आपको सभी सवालों का जवाब भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए, देरी ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चौकी लगाई, चौकी से पहले आप यहाँ पर स्वास्तिक बना ले, जगह को अच्छे साफ कर ले, चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर आपने लाल या पीला वस्त्र बिछाना है। तरह से पीला वस्त्र ले लूंगी और ये मैं बिछा दूंगी। भक्तों, देखिए मैंने यहाँ पर चौकी पर पीला वस्त्र बिछाया है। भक्तों, आंवला नवमी के दिन आंवला दान करने का विशेष महत्व होता है, तो आंवला आप नवमी के पहले खरीद लें, उसके बाद रख करके उस दिन आंवला खरीदने से बचना चाहिए। सिर्फ बस आंवला दान जरूर से किया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ चौकी लगा ली है। उसके बाद हमें चाहिए इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की फोटो या प्रतिमा स्थापित करनी है। तो भक्तों, यदि आपके पास मूर्ति है तो वो भी आप स्थापित कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से तिल ले लूँगी, क्योंकि कार्तिक के महीने में तिलों का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर हम आसन दे देंगे और ये यहाँ पर स्थापित कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर गणेश जी की स्थापना करूँगी। आप चाहें तो सुपारी से भी स्थापना कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी तीली रख लूँगी और यहाँ पर स्थापना कर देंगे गणेश भगवान की। तो इस तरह से हमें आसन देना है और इस तरह से स्थापना कर लेनी है। तो भक्तों, ये जो आंवला के दिन फोटो या मूर्ति की स्थापना जरूर से करें, यदि आप किसी कारणवश बाहर नहीं जा रहे हैं आंवले वृक्ष का पूजन करने के लिए। भक्त, देखिए मैंने यहाँ पर लक्ष्मी जी और विष्णु की मूर्ति स्थापित फोटो कर दी है और यहाँ पर मैंने गणेश जी की भी स्थापना कर ली है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, सेवा करते हैं, तो आप उनको भी इस पूजा में स्थापना कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास लक्ष्मी जी और विष्णु जी के साथ कोई भी फोटो या मूर्ति नहीं है उसके स्थान पर, तो चलिए मैं यहाँ पर गंगा जल से शुद्धोदक स्नान करा दूंगी। यहाँ मैंने जल ले लिया है और पुष्प की मदद से हम यहाँ पर सांकेतिक स्नान करा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर गाय के कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी का पवित्रीकरण कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। देखिए भक्तों, हम यहाँ पर चंदन से तिलक करेंगे। भक्तों, आज के दिन 8 और 108 अंक का विशेष महत्व होता है, तो हम सबसे पहले गणेश जी की तिलक कर देंगे। यहाँ पर अच्छी प्रकार से चंदन से सभी को तिलक कर देंगे, भगवान विष्णु जी को भी तिलक कर देंगे, माता लक्ष्मी जी को करेंगे और साथ में शेष नाग हैं इनका भी हम टीका कर देंगे अच्छी प्रकार से, और जो भी इनके गदा हैं, चक्र है, इन सब का हम तिलक कर देंगे। माता के यहाँ फूल पे भी तिलक लगा देंगे इस प्रकार से। भक्तों, आंवला, यदि आंवला वृक्ष का पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर रहकर इस प्रकार से भगवान विष्णु जी का पूजन कर सकते हैं और आंवला भगवान को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, तो आप जरूर से चढ़ाएं आज के दिन। तो इस तरह से मैं यहाँ पर माता को कुमकुम अर्पित कर देंगे, सिंदूर अर्पित कर देंगे। तो हम यहाँ माता को टीका लगा देंगे सिंदूर का और भगवान गणेश जी को भी रोली का टीका लगा देंगे इस प्रकार से। देखिए भक्तों, हम यहाँ पर इत्र लगा देंगे। इत्र से माता को सुगंध बहुत प्रिय होता है, तो सभी को इत्र लगाकर हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। गणेश जी को भी, माता लक्ष्मी जी को, आप चाहे तो यहाँ पर पीला वस्त्र भी अर्पित
कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। इस तरह से आप चाहे तो आज के दिन वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, आंवला नवमी के दिन आप आंवले का भोग भगवान विष्णु जी को जरूर से विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, आप इस पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर से करते रहें, और इसके बाद हम यहाँ पर भगवान को जनेऊ अर्पित कर देंगे इस प्रकार से छुआ करके, और गणेश भगवान को भी यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर देंगे। से हम फूल ले लेंगे और यहाँ पर हम फूलों का आसन देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। इस तरह से मैंने तिली के तेल का दीपक तैयार किया है, तो ये हम दीपक यहाँ स्थापना कर लेंगे और साथ में धूप बत्ती जरूर से स्थापित करें यहाँ पर, और हम अग्नि देवता का गणेश भगवान का ध्यान करते हुए हम यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। भक्तों, ये जो दीपक होता है हमारे पूजा का कर्म साक्षी होता है, तो जो भी हम पूजा करना शुरू करते हैं वो अग्नि देवता के सामने ही पूजा किया जाता है। हम यहाँ पर अबीर से टीका लगा देंगे सभी को, और यहाँ पर भक्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर से करें, और इस तरह से हमें पूरी श्रद्धा पूर्वक प्रेम से ये पूजन करना है। भक्तों, ये पूजा आप सुबह सुबह में स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर के आप इस प्रकार से चौकी लगाएं और इस प्रकार से पूजा करें। भक्तों, ये बहुत ही सरल पूजा विधि है, मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ। चलिए ये भक्तों, मैं यहाँ गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर रही हूँ। ये भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है, जो भी आपके पास फूल हो वो आप जरूर से अर्पित करें। इस तरह से गुलाब का फूल अर्पित कर देंगे, और भगवान विष्णु जी को पीला फूल अर्पित कर देंगे, माता लक्ष्मी जी को भी। आप हो सके तो यहाँ पर गुलाब के फूल भी अर्पित जरूर से करें। और भक्तों, इस तरह से हम दीपक का भी पूजन करते हुए चलेंगे साथ में, तो इस तरह से हम सबका पूजन कर लेंगे चंदन रोली से, कुमकुम से। तो उसके बाद हमें इस प्रकार से टीका भी लगाना है, तो हम यह रोली से भी टीका कर देते हैं। इस प्रकार से इनका भी पूजन करते चलेंगे। फूल मैंने अर्पित कर दिए हैं। भक्तों देखिए, आंवला नवमी है और कार्तिक का महीना है, तो इसमें सफेद तिल का विशेष महत्व होता है। तो आप ये तिल ले लें और ये अक्षत अर्पित करें सभी के मस्तक पर, तभी हमारा जो तिलक है वो संपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से हम सभी को टीका अर्पित कर देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। तो ये दीपक में भी हम डाल देंगे, क्योंकि तिल का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार से आप जरूर अर्पित करें सफेद तिल। इस तरह से हम सबसे पहले हम यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे, तुलसी पत्र जरूर से डालें। तो इस प्रकार से हम भगवान विष्णु जी को यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे, और देखिए मैंने यहाँ पर टीका कर लिया है। आप टीका भी लगा सकते हैं, कंठ में कलावा भी बांध सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर गणेश भगवान को भी जल का भोग लगा देंगे, क्योंकि हमें इनका जल अलग से रखना है, क्योंकि गणेश जी के पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हम इनका भोग प्रसाद अलग रख देंगे। ये मैंने भोग प्रसाद लिया है, तो मैं भगवान विष्णु जी को अलग से भोग लगा दूंगी, तो इनका फल मैं अलग से यहाँ पर रख देती हूँ। तो भक्तों, जो भी आप फल निकाले वो आप अलग से रख दें, क्योंकि भगवान विष्णु जी के पूजन में ये जो है तुलसी पत्र डाला जाता है, और गणेश जी के पूजन में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। भोग प्रसाद जो भी आप रखें उसमें तुलसी पत्र भगवान विष्णु जी के पूजन में जरूर से लगाएं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर तुलसी पत्र लगा देंगे, तो ये हमारा भोग प्रसाद भगवान सहज स्वीकार कर लेंगे। और बाद यहाँ पर बताशे का भोग जरूर से लगाएं, हो सके तो कार्तिक के महीने में। और जो भी पूजन होता है बताशा मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है, तो आप भोग जरूर से लगाएं, यहाँ पर भोग अर्पित कर देंगे। देखिए भक्तों, मैं यहाँ पर गणेश जी को दो प्रकार के लड्डू का भोग लगा रही हूँ, एक बूंदी लड्डू है और एक बेसन का लड्डू है। तो गणेश जी को यहाँ पर भोग लगा देंगे और सामने रख देंगे इनका भोग। तो इस तरह से हम प्रेम पूर्वक, क्योंकि गणेश भगवान को लड्डू अति प्रिय होते हैं, तो आप मोदक का भोग लगाएं। और भगवान विष्णु जी को हम यहाँ पर तिल का भोग लगा रहे हैं, तिल और ये लड्डू है। इस तरह से हम पट्टी का भोग लगा रहे हैं। जो भी आप भोग लगाएं वो ऐसा लगाएं जो व्रती भी खा सके, जो लोग व्रत रखते हैं आंवला एकादशी का, तो वो भी इसको खा सके। तो ऐसा भोग प्रसाद आपको चढ़ाना है, और ये भोग प्रसाद आप परिवारजन में भी बांट सकते हैं इस प्रकार से।
देखिए भक्तों, आंवला एकादशी है, आंवला नवमी है, तो आंवले का भोग आप जरूर से लगाएं। लेकिन आप चाहे कोई भोग लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आंवले का भोग, आंवले का फल जरूर से भोग लगाएं, और लेकिन भोग जरूर से लगाना है। और फिर इन आंवलों का दान भी करना होता है, इस प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं। कम से कम आपको 8 आंवले का भोग जरूर से लगाना चाहिए। तो हम आंवले का भी पूजन करेंगे पूरे विधि पूर्वक से। तो हम सबसे पहले चंदन रोली से इनका टीका करेंगे। तो मैं यहाँ पर टीका लगा ले रही हूँ। अच्छी प्रकार से आप टीका लगा दे, हल्दी चंदन रोली से सभी का। यदि हम बाहर वृक्ष का पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उनके फलों का तो पूजन कर सकते हैं ना, पूरे विधि विधान के साथ। तो इस प्रकार से हमारे आंवला वृक्ष का भी पूजन हो जाएगा। तो आप जरूर से पूजन करें, और आप कुमकुम भी लगाएं, अक्षत अर्पित करना है, मतलब पूरी विधि विधान के साथ आंवला का फल का पूजन करना है। कहते हैं कई लोग, हमें आंवले का वृक्ष नहीं मिल पाता है तो हम पूजन कैसे करें, तो ये विधि है। मैं आपके साथ बहुत ही सरल विधि शेयर कर रही हूँ। तो इस प्रकार से हमें अर्पित करना है, भोग लगाना है, और पुष्प अर्पित करना है। इस प्रकार से आप फूल अर्पित कर दें आंवले में, और साथ में तीली जरूर से अर्पित करें इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम तीली अर्पित कर देंगे, तभी हमारा ये टीका संपूर्ण माना जाएगा। तो हमने आंवले का पूजन कर लिया है। यदि आप आंवले का पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार से आंवले का पूजन कर ले, फल का पूजन कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हमें पूजन किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे, इस दिन आंवले का सेवन नहीं किया जाता है। इससे पहले आंवले नहीं खाए जाते थे, जब तक हम इनकी पूजा नहीं कर लेते हैं उसके बाद में ही आंवला खाया जाता है। जब हम इनके नियम बनाए होते हैं जिन्होंने, वो इस प्रकार से पहले पूजन करता है, उसके बाद इनका सेवन किया जाता है। इसके बाद में हमें करना है 8 दीपों का दान। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दीप तैयार कर लिए हैं। मैंने यहाँ पर तिली के तेल का दीपक तैयार किया है। आप चाहे तो देसी घी का भी दीपक तैयार कर सकते हैं, आंवले का दीप दान कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अच्छी प्रकार से सजा लिए हैं, दीपक अच्छी प्रकार से बना लिए हैं। आप भी बना लें, लंबी बाती का लगाएं चाहे गोल बाती का, लेकिन इनका भी अच्छे प्रकार से पूजन करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले चंदन रोली से टीका कर लेंगे अच्छी प्रकार से, क्योंकि जब हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं तो हम यहाँ टीका नहीं कर पाते, क्योंकि हाथ जलने का डर लगा रहता है। तो आप इस प्रकार से पहले दीपक का पूजन कर लें, और अक्षत अर्पित कर दें, तिली अर्पित कर दें, उसके बाद आप पूजन करें, दीपक प्रज्वलित करें। आप ये दीपक कहाँ कहाँ रख सकते हैं ये बता देती हूँ भक्तों। ये दीपक आप घर के मंदिर में जलाएं, और उसके बाद आंवला वृक्ष के नीचे जलाएं, और आप पीपल पथवारी के पास जला सकते हैं, बाहर शिवालय में जला सकते हैं, नहीं तो अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो कुल मिलाकर ये दीपदान आप भगवान विष्णु जी के सामने जरूर से जलाएं। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले अच्छी प्रकार से टीका कर लेते हैं। इसमें मैंने ये सजा लिए हैं अच्छी प्रकार से, हम पुष्प अर्पित कर देंगे। भक्तों, जो ये मैंने दीपक लिए हैं, 5 तैयार किए हैं, इन दीपों का दान कर सकते हैं भक्तों। ये दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो इस तरह से पहले हम फूल रख देते हैं, यहाँ अच्छी प्रकार से सजा लेते हैं। आप सजाएं अच्छी प्रकार से, और ये हमें दीपदान यहीं पर करने हैं अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो, इस प्रकार से। और साथ में सफ़ेद तिल जरूर से अर्पित करने चाहिए। कहते हैं तिल चिटकना बहुत ही शुभ रहता है, तो आप तिल भी अर्पित जरूर से करें। आप हो सके तो इसमें खील बतासे भी अर्पित कर सकते हैं इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पर अच्छी प्रकार से इनका पूजन कर लिया है। मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े से तिलों का आसन दूंगी, क्योंकि मैंने यहीं पर दीपक प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से हम 5 दीपों को आसन दे देंगे तिलों का। तो इस प्रकार से हमने रख लिया है, और ये जो दीपक मैंने तैयार कर लिए हैं, ये हम यहीं पर भगवान के सामने प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से आप रख लें, और भक्तों ये मंत्र बोलते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भक्तों, ये दीपक आप 5, 7, 9, 11, 21, 51 आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जला सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कुल मिलाकर कार्तिक मास में दीप दान करने का विशेष महत्व होता है, तो आप जितनी चाहे उतनी संख्या में दीप दान कर सकते हैं। आप चाहे तो 365 बाती का भी दीप दान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। यदि आप नहीं कर पाए हैं तो आप कर लें, बहुत ही शुभ रहता है। इस प्रकार से आप जरूर से करें, दीपक प्रज्वलित जरूर से करें। तो ये पूजा हमें तब करना होता है जब हम आंवला वृक्ष के पास नहीं जा पा रहे होते हैं।
तो बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा विधि बता रही हूँ कि आप घर पर किस प्रकार से आंवला नवमी अक्षय नवमी की पूजा करें। इस दिन किया गया दान पुण्य का अक्षय फल होता है, क्योंकि इसका कोई क्षय नहीं होता है, क्योंकि आंवला नवमी होती है। भक्तों, आज के दिन आपको आंवले जरूर से दान करने चाहिए। वस्त्र और कुछ दक्षिणा जरूर से निकाल करके दान कर सकते हैं। ब्राह्मणी ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर आप आंवला वृक्ष के नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खाना खिलाएं, और ब्राह्मणी को 16 श्रृंगार की सामग्री दान जरूर से करें। उसके बाद हमें करनी होती है यहाँ पर कपूर से आरती। आरती करने से पहले भक्तों आप इस तरह से हाथ में थोड़े से तिल ले लें और पुष्प ले लें अच्छी प्रकार से, और हमें यहीं पर बैठ करके आंवला नवमी की अक्षय नवमी की व्रत कथा कहानी सुननी होती है, पढ़नी होती है। तो जो भक्तों कथा की जो वीडियो है वो मैंने अलग कर दी है, आप वहां जाकर के कथा सुन सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर के हमारे चैनल से कथा कहानी सुन सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पर व्रत करते हैं, और यदि व्रत नहीं भी कर रहे हैं सिर्फ पूजन कर रहे हैं, तो उन्हें कथा जरूर से ही सुननी या पढ़नी चाहिए हुंकारा भरते हुए। यदि आप कथा नहीं सुनते हैं तो आपको पूजा का कोई भी पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो इसका ध्यान रखिए, आप कथा जरूर से सुने, हुंकारा भरते हुए सुने। यदि आप पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप हुंकारा नहीं भर पाएंगे, अपने आप पढ़ रहे हैं। और यदि आप किसी और से सुन रहे हैं तो हुंकारा जरूर से भरे, और इस प्रकार से हमें कथा सुनने से हमें पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद हम ये अक्षत और जो ये पुष्प है ये हम भगवान के चरणों में यहीं पर समर्पित कर देंगे, और क्षमा याचना मांग लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। अंत में हमें करनी है कपूर से आरती। आप चाहे तो जो दीपक प्रज्वलित किया है उससे भी आरती उतार सकते हैं। तो हम इसी दीपक से ही आरती उतार लेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की उतारेंगे यहाँ पर आरती। ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः। इस तरह से आप आरती कर सकते हैं। यदि आपको गणेश जी की आरती आती है तो आप आरती गा सकते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु जी की भी आरती कर सकते हैं। इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए आप आरती उतार सकते हैं। भक्तों, आज के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। और भक्तों, यदि आप व्रत रखते हैं तो आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं। अगर आप निर्जला रखना चाहते हैं आप निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ लें, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। तो भक्तों, ये बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको पूजा की है। भक्तों, एक और विशेष चीज की जाती है, अक्षय नवमी के दिन आंवले के दीपदान जरूर से किए जाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं। आंवले के दीपक किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से जो ये पूजन है हमें सुबह के समय सुबह सवेरे में करना चाहिए। यदि आपको समस्या है, समय का अभाव है, यदि सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय गोधूली वेला में इस प्रकार से आप पूजन कर लें, और उसके बाद आप शाम को जब अंधेरा हो जाता है तब आप सब जगह आंवले का दीप दान कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से दीपक लेकर के भी 5 दिए कहीं भी जला सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार दीपक जरूर से जलाएं। भक्तों, ये दीपक आपको कहाँ कहाँ जलाने होते हैं ये भी मैं बता देती हूँ आपको कहाँ जलाने हैं। ये आंवले के दीपक हैं तो आप तुलसी के पास, घर के मंदिर में, खुले आकाश में और बाहर देवालय में जला सकते हैं, वट वृक्ष के नीचे जला सकते हैं, आंवले वृक्ष के नीचे जला सकते हैं, केले के पौधे के पास जला सकते हैं। यदि आपने पीपल पथवारी बनाई है आप वहां पर भी जला सकते हैं। तो भक्तों, ये इस तरह से हमें दीपदान करना है। पितरों के निमित्त भी दीपदान कर सकते हैं, या फिर सारे दीपक आप ये पूजा जहाँ करते हैं आप वहां पर भी कर सकते हैं, विष्णु भगवान के सामने जला सकते हैं। भक्तों, ये जो पूजा है किस दिशा की ओर करनी होती है, आप ये पूर्व दिशा की ओर कर सकते हैं मुख करके, या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस प्रकार से आप पूजन कर लें। भक्तों, ये बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा मैंने बताई है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर से निकालें, सबको छुआ करके आप 21, 51, 101 जो भी आपकी सामर्थ्य आप उतनी दक्षिणा निकाल सकते हैं, तभी हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। पूजा में रही जो भी कमी बेसी होती है वो पूरी हो जाती है। तो गलती क्षमा मांग लें, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें।
इस तरह से आप पूजन करें। ये पूजा आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी आप कर सकते हैं और दीपदान भी कर सकते हैं। इस पूजा को करने के बाद में आप चाहें तो नर्सरी से गमले, जो आंवले का वृक्ष का पौधा है, घर ला करके गमले में लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। तो गमले में लगा करके किस प्रकार से पूजन किया जाता है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा बताई है, क्योंकि भक्त माता लक्ष्मी जी ने आंवले वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु जी का और भोलेनाथ जी का पूजन किया था, तो और यहीं पर बैठकर ही भोजन कराया था, इसीलिए आंवले वृक्ष का विशेष रूप से अक्षय नवमी के दिन पूजन किया जाता है, बहुत ही शुभ रहता है। किंतु जो ये मैंने तरीका बताया है, ये आप बिना आंवला वृक्ष के इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तो भक्तों, ये वीडियो आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर से लिखिए। राधे राधे भक्तों।